नमस्ते, आप सभी को सप्तमी यानी कि देवी के सातवें रूप द सेवेंथ फॉर्म सेवेंथ क्वालिटी ऑफ देवी दुर्गा, दुर्गा अष्टमी, नवरात्रि, नौ रातें, नौ दुर्गा की शुभकामनाएं। धीमे धीमे हम नवरात्रि के पहले दिन पे पहुंच के और उसके बाद आज हम सातवें दिन में हैं, सप्तमी। आज बहुत लोगों ने सप्तमी पूजी होगी और जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, अधिकतर लोग अष्टमी पूजते हैं, कन्या खिलाते हैं, उनका आज आखिरी व्रत होगा। जिन्होंने व्रत रखा है, उपवास रखा है, तो ये सात दिन आपके लिए बहुत ही पावन रहे होंगे और कल आप उसका पारण करेंगी और कन्या खिलाएंगी। जो लोग जिस भी तरीके से पूजा करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन जो करना चाहिए, जो हमारे जीवन में हर समय, जैसे हम लोग जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो एक नियत डिसिप्लिन होता है। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, पाठ्यक्रम होता है। लेकिन स्कूल में हर साल एक एनुअल डे होता है, कॉन्सर्ट होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, तो उसकी अलग से तैयारी होती है, उसके अलग कार्यक्रम होते हैं। इसी तरीके से हमारी संस्कृति में ऐसे रिवाज हैं, ऐसी रस्में हैं, ऐसे कल्चरल सिग्निफिकेंसेस हैं, ऐसे त्यौहार हैं जो कि हमें चार्जअप कर देते हैं और ऐसे रंग ला देते हैं जिसमें रंगा हुआ जो मानव है वो आगे चलता रहता है, पीछे की चीज़ों को भुलाने का एक बहुत अच्छा पाठ्यक्रम जो है हमारे शास्त्रों में नियोजित किया गया है। और उसी की श्रृंखला में आज माँ कालरात्रि को समर्पित सप्तमी सातवां दिन, तो आप सब मेरे साथ नौ दिन की यात्रा पर निकले हैं। नौ दिन की ये ऐसी यात्रा जिसमें हम देवी या त्यौहार या रिचुअल्स, जो भी हम करते हैं, रस्में करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका सही मायने समझें, उसका सही मतलब समझें, उसका सही ध्येय लक्ष्य वो ज़्यादा आवश्यक है, ना कि एक ऐसे आवरण में फंसे रहें जिसका कोई मतलब नहीं है, जो कि आज इस युग में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम बहुत सी चीज़ों में भटके हुए चले जा रहे हैं क्योंकि भीड़ जा रही है। आज ही मेरे पति से बात हो रही थी, क्योंकि वो भी सुनते रहते हैं जब मैं आप लोगों से वार्ता करती हूँ, तो जो मैं कन्या खिलाने की बात कर रही थी कि पूड़ी, चना, हलवा, तो बेचारे बड़े परेशान थे कि अच्छा तो तुम क्या तैयार कर रही हो बच्चों के लिए। तो मकसद ये है कि कहाँ लिखा गया है, कौन से इतिहास में लिखा गया है कि हमें पूड़ी, चना, हलवा ही खिलाना है। ठीक है, सिम्बॉलिक है, अन्न है, अनाज है, मीठा है, देवी का भोग है, और जब लोग फलाहार करते हैं, उपवास करते हैं, तो उसके बाद अन्न को चढ़ाते हैं देवी माँ को। कहीं ना कहीं किसी ने ये एक कस्टम शुरू किया होगा, जैसे कि बिग फैट इंडियन वेडिंग्स का निर्माण हुआ, जिसमें कि केटरर्स आने लगे और इवेंट मैनेजर्स आने लगे और बड़े बड़े ग्रीटिंग कार्ड्स छपने लगे। वो चीज़ें जो बहुत ही सादगी से, सरलता से, घर के अंदर बहुत बहुत वार्मथ के साथ और बहुत मकसद के साथ की जाती थी, वो सब समाप्त होके डीजे का कल्चर आ गया। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी खूबसूरती से, अपने संस्कृति से बहुत ज़्यादा दूर होते चले गए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सब कुछ खराब है, बहुत अच्छा भी है। आज के युग में आप देखिए कि इतनी अवेयरनेस है, इतना कंफर्ट है, शायद ही कोई ये सोच सकता था कि आम इंसान जो है वो हवाई जहाज की यात्रा इतनी आसानी से करेगा, या आवागमन इतना आसान हो जाएगा, या एक दूसरे से बात करना, मतलब विदेश में बैठे हुआ कोई इंसान, उसके साथ हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैजिकल लगती हैं, जादुई लगती हैं, और लगता है कि जादू की दुनिया में हम आज जी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हमने उसको, हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंटल समाज में इस समय हैं, हम और आप, जो कि बहुत अच्छा भी देख रहे हैं और बहुत ख़राब भी देख रहे हैं। तो जो बहुत ख़राब देख रहे हैं उसको हमने खरपतवार की तरह उखाड़ फेंकना है, ताकि जो अच्छा अच्छा है वो रह जाए, किसके लिए, आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए, फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। तो हर समाज में जो नागरिक होते हैं उनको समझ के साथ,
शिक्षा के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ, ये उनका दायित्व है, ये उनका कर्म है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खर पतवार ज़रूर निकालें, क्योंकि अगर वो खर पतवार नहीं निकालेंगे तो उनके बच्चों को भी उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। आज हम मास्क पहन के एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लॉकडाउन में हैं। कभी किसी ने सोचा था कि दुर्गा पूजा इस तरीके भी मनाई जाएगी कि कोई पूजा करने ही नहीं जा पाएगा, पंडाल सजेंगे ही नहीं? तो ये समय क्यों आया? क्योंकि जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी, शायद वो चीज़ें नहीं समझ पाई और बस चलते गए, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ आती गईं, प्लास्टिक फैलता गया, मिलावट होती गई, आवाज़ नहीं उठाई। जैसे कि कल हम रीना मुखर्जी से उनके रसोई जब उनका चल रहा था सेशन, तो बात कर रहे थे कि जो वेश्याएं, एक तो वेश्यावृत्ति आई कैसे हमारे समाज में, ये तो बहुत ही सुंदर एक रचना थी जिसमें कि अनमैरिड गर्ल्स जो हैं वो मंदिरों में जाके ईश्वर के सामने, प्रभु के सामने नृत्य करती थी, अपने भाव प्रकट करती थी। और कब वो देवदासी की जो प्रथा है वो वेश्यावृत्ति में बदल गई? शायद कहीं ना कहीं वो गुलामी का जो एक समय आया जिसमें वो लोग आए जिन्होंने हमारी संस्कृति को समझा ही नहीं, और गरीबी ने और गुलामी ने इंसान को इतना ज़्यादा हेल्पलेस बना दिया कि बहुत सारी खराब चीज़ें हमारे समाज में व्याप्त हुई। और उन लोगों को जिनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, उनको पूजा का पार्ट ना बनने दिया जाए, अंग ना बनने दिया जाए, देवी के पैर ना छूने दिए जाए। विधवा जो जिसके पति की मृत्यु हो गई है, वो वैसे ही इतनी दुखी है, वैसे ही इतना उसका दिल दुखा हुआ है, और फिर उसको इन सब चीज़ों से हटा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके प्रति हमें, हम पढ़े लिखे लोगों को आवाज़ उठानी बहुत आवश्यक है। कठिन है, आपको लोग बिल्कुल गलत कहेंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि आप सही काम कर रहे हैं तो किसी का कहना जो है वो मायने नहीं रखता, और धीमे धीमे सब आपकी आवाज़ बन जाते हैं। अनीता सिंघी पारुल, बहुत खुशी है आप आज यहाँ पर हैं। संगीता धर, मौसमी भट्टाचार्य जी, आप हर हमारे कार्यक्रम में मौजूद होती हैं। मौसमी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो लोग जुड़े हैं, मैं फेसबुक पे आप लोगों को देखूंगी और आपसे आपकी तरफ रूबरू होंगी, आपसे बातचीत करूंगी, आपके कमेंट पे शेयर करूंगी। तो आज है देवी सप्तमी का सातवां दिन, बहुत ही मुख्य दिन, और देवी कालरात्रि, जो देवी का जो कालरात्रि रूप है, तो काल के तीन अर्थ होते हैं। काल एक होता है रात, काल होता है समय, और काल जो है एक वो चीज़ भी कही जाती है जिसमें कि कालापन होता है। तो कालापन, समय और रात्रि, इन तीनों के एक मिलन से एक देवी का निर्माण हुआ, जिसको, और रात, रा का मतलब होता है रोशनी, जागृत, नॉलेज, ज्ञान। तो हर चीज़ ज्ञान पे आके टिक जाती है कि जहाँ भी अंधकार से ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, उस ऊर्जा को, वो जो हमारे अंदर से ऊर्जा निकलती है, उसकी देवी, उसको देने वाली है काल रात्रि का ये रूप, जो आज सातवें दिन हम जिसको सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज द सेवेंथ फॉर्म ऑफ दुर्गा, दुर्गा विदिन, विच इज द देवी विदिन, देने वाली जो हमारे शरीर के अंदर बैठी हुई दुर्गा माँ है। और इस, हम लोग चक्रों की भी बात करते हैं कि देवी का जो ये काल रात्रि का जो रूप है, ये सहस्रार चक्र, जो कि हमारी चोटी पे स्थित है। और आप लोग सभी जानते होंगे, आज के समय में सभी, किसी के भी अगर सिर पे हाथ रख दिया जाए ना ऐसे करके, या यहाँ पे पकड़ के रख दिया जाए, या नेक के पास पकड़ के रख दिया जाए, तो आप सबको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा दर्द होता है हम लोगों के। मैं जरा अपने बाल बांध लेती हूँ, देवी कालरात्रि का ही रूप लग रही हूँ, और बाल जैसे उनके फैले हुए थे, हर दिशा में वो बाल उड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं बाल बांध लेती हूँ, तो दिस लुक्स बेटर, है ना? क्या क्या विचार है आपका? तो ये जो सहस्रार चक्र है, और यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके, अगर हम इसको दबाते हैं, या आपके जो पंजा है उस पे अगर ज़रा सा हाथ रख दें, या आपकी हथेली इस पर रख दें, दर्द होता है ना, और मन करता है कि कोई दबाता जाए। तो ये जो हमारे दर्द अगर शरीर में है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो हमें वो दर्द प्रदान कर रही है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके पर्सनल लेवल पे किसी की बात हो सकती है, वो आपके घर में कोई आकस्मिक कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस वाला जो एक इंसिडेंट हो सकता है, कोई एक सिचुएशन हो सकती है, कोई एक घटना हो सकती है,
हमारी कुप्रथा, हमारी बेड़ियां रूढ़ियों को समाप्त करना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल पारुल, तो ये जो हम अपने शरीर में ले लेते हैं, जैसे हमने मधु कैटअप की बात की, तो मधु कैटअप क्या है कि मधु एक एक शहद के जो कीड़ा होता है, मधुमक्खी होती है, जिस जो अटैचमेंट से, जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, किसी भाव से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, किसी इंसान से बहुत अटैच्ड होते हैं, और जब वो दुख आपको आता है तो आपके शरीर में वो शरीर, ये जो धरती रूपी शरीर है ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है। जब वो ग्रहण कर लेता है उसको, तो उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है, और तब वो दर्द के रूप में, तब वो बीमारी के रूप में, तब किसी ना किसी ऐसे रूप में जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों से पार पाने के लिए, पार्वती लगाने के लिए, देवी पार्वती जो है वो अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें दिखाती हैं, जिनके ऊपर हमें विजय पानी है। और दसवें दिन इस पे विजय पाकर विजय दशमी का त्यौहार मनाया जाता है, दशहरा का मनाया जाता है। दस दुर्गा के जो 10 हैंड्स हैं, 10 हाथ हैं, तो उन हाथों को हम जो है अपने अंदर समा लेते हैं, उसके जो वेपन्स हैं, उसके जो हथियार हैं, जो अस्त्र हैं, जो शस्त्र हैं, जिससे वो सुसज्जित है, वो सब हमारे अंदर है। तो काल रात्रि का जो ये रूप है, जिस जो कहानी अनुसार कि इसमें चंड मुंड और शुम्भ निशुम्भ का जो ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि उन्होंने इंद्र देव इंद्रलोक में उन्होंने बहुत ज़्यादा विषम स्थिति कर रखी थी, और देवता जो है उनसे बहुत परेशान थे, तो इंद्र जो है ब्रह्मा जी के पास गए, और फिर पार्वती जी का जो सुंदर सा गौर वर्ण था, जो ऊपर की जो उनकी खाल थी उसको हटा के जब उनकी नीचे की जो खाल निकली वो बिल्कुल काले रूप में थी, और उन्होंने इस ऊर्जा का निर्माण किया, और वो निशुम्भ निशुम्भ का जो जो उन्होंने जो परेशान कर रखा था देवों को, देव यानी कि अच्छी क्वालिटीज़ के ऊपर हावी हो गए थे ये जो असुर हैं, जो बुरी क्वालिटीज़ हैं, तो उन्होंने बोला कि ये ऊर्जा उनको सही करेगी। देखिए इस संदर्भ में समझिएगा कि ये जो बुरी दुर्गुण जो व्याप्त हो गए थे देवताओं के ऊपर, देव यानी कि पॉजिटिव क्वालिटीज़ कहा जाता है, तो इस ऊर्जा का निर्माण हुआ कि इस ऊर्जा के साथ अगर आप इस ऊर्जा पे काम करेंगे तो ये असुर मारे जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुम्भ निशुम्भ होता है डाउट, डाउटिंग योर सेल्फ, अपने ऊपर शक करना और दूसरों के ऊपर शक करना, किसी चीज़ पर शक करना। इंसान जब शक की जीवन जीता है, अपने पे शक करता है, चीज़ों पे शक करता है, लोगों पे शक करता है, तो उसका हर समय ध्यान जो है वो शक के इर्द गिर्द घूमता रहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। तो उसको मारने के लिए एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण हुआ कि ये शक का जो जीवन है इसे दूर हटना पड़ेगा, और उसके लिए शुम्भ निशुम्भ ने सबसे पहले चंड मुंड को भेजा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुंड मतलब सिर, जिसका सिर ही नहीं है, और कहते हैं ना चंड रूप मत, जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं चंड रूप में मत रहो, यानी कि ऐसा रूप जिसमें कि तुम किसी के सुनने को ही तैयार नहीं हो। तो चंड मुंड एक ऐसा फॉर्म है असुर का, ऐसे दुर्गुण का, जिसमें कि हेडलेस है, फॉर्मलेस है, डेफ है, डम है, बहरा है, गूंगा है, वो किसी भी तरीके से किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे फॉर्म को मारने के लिए डाउट जैसे दुर्गुण ने भेजा पहले आगे, तो देवी ने पहले उसका संहार किया, और उसके बाद शुम्भ निशुम्भ को, शक को अपने ऊपर से हटाया, उसके ऊपर विजय पाई। आते हैं उनके वाहन के ऊपर। बड़ा आज का जो उनका देवी काल रात्रि का जो वाहन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और वो है गधा, यानी कि डोंकी, गधर्व। तो ये जो गधा है उसको हमारे संस्कृति में हम लोग जो है बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं, है ना। और बेचारा जो गधा है वो इतना सारा भार ढोता है, और उसको कहते हैं कि कोई भी अगर बेवकूफ़ी का काम करता है उसको भाई गधे हो क्या, मतलब एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से गधे को बोला जाता है। तो गधे का जो तमस रूप है, किसी भी हमारी संस्कृति में कोई भी चीज़ निषिद्ध नहीं मानी जाती है, इसलिए देवी देवताओं ने वाहनों का चुनाव किया, ऐसे वाहनों का जिनके ऊपर शायद हमारे शास्त्रों में हमारे गुणीजनों को, हमारे मुनिजनों को, हमारे ऋषियों को ये पता था कि इन लोगों के, इन इन जानवरों के ऊपर, निहत्ते जो हमारे जीव जंतु हैं इनके ऊपर ऐसा समय आएगा। इसीलिए सांपों के लिए पूजा पाठ का किया, इसीलिए शेर के लिए किया, इसीलिए कछुए के लिए किया, चूहों के
किया, ये सारे बंदर के लिए किया, वानर जिन हैं उनको, राम की जो सेना है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं इन शास्त्रों, इन कहानियों को पढ़ पढ़ के उन जीव जंतुओं के आगे नमन करना, श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाना आरंभ किया, शायद धर्म से डर के, कि क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा समय आएगा। और इसी तरीके से गधे को भी, तो गधे के साथ त्रासदी हो रही है, होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस चीज को जरूर मानते हैं कि देवी का ये वाहन है। तो बहुत से लोग इन चीजों से रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आंख बंद कर लेते हैं, बस पूजा पाठ के दौरान एक भेड़ चाल की तरह उनको, शायद कितने लोगों को पता भी नहीं है। तो एक जो गधे का जो निष्क्रिय रूप है, उसको निष्क्रिय रख के देवी ने उसके ऊपर विजय पाली। वो जो ऊर्जा है उसने गधे के तमस रूप के ऊपर भी विजय पाली, जो कि शुंभ निशुंभ डाउट और हेडलेस फॉर्म, जो कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है, उसके ऊपर भी ज्ञान की तलवार चला के उन्होंने उसके ऊपर विजय पाई। तो आज का दिन जो है वो कालरात्रि का जो रूप है, उसने रात के ऊपर, रात के भी बहुत से फॉर्म है, रात को हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन रात का जो अंधकार है उसको दूर क्या करता है, उसको देवी की ऊर्जा दूर करती है। तो ये हर चीज जो है हमारी नॉलेज से जुड़ी हुई है, कि जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं आएगी, जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं आएगा और उस ज्ञान के आगे हम झुकेंगे नहीं, तब तक हमारा हमारा जो जीवन है वो सार्थक नहीं होगा। मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि हम तीन गुणों की बात करें और आज जो दूसरा गुण है यानी कि रजोगुण, रजोगुण यानी कि गृहस्थ जीवन का गुण। सबसे पहले था तमस गुण, जो कि तीन दिन हमने सेलिब्रेट किया, देवी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और उसके बाद चंद्रघंटा का रूप था। तीन दिन हमने उनको सेलिब्रेट करने के बाद, उसके बाद संत स्कंद माता, देवी कात्यायनी और कालरात्रि, इनका, इनके रूप को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसी है, उसको देख लेंगे। तो ये जो तीन 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 पार्ट्स में नौ दिनों को डिवाइड किया गया है, इसमें पहले तीन पार्ट है हमारे तमोगुण, यानी कि जो हमारे तमस रूपी, हमारे शरीर के तम है, हमारे शरीर के जो नौ द्वार है जो मैंने आपको बताया था, जिनको साफ रखना है, एक ये पार्ट है। और दूसरा जो ऊपरी लेवल के, सुपरफिशियल लेवल के, बहुत ही बेसिक लेवल के हमारी जो बुराइयां हैं उनके ऊपर से, झूठ बोलना बात बात में, किसी को कुछ अपशब्द कह देना। लेकिन काल रात्रि का ये जो रूप, और पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं कि ये जो गुण हैं ये आवश्यक भी हैं। ये आवश्यक इसलिए है कि कुछ तमस भी रहना चाहिए, कुछ तमोगुण भी रहना चाहिए, कुछ रजोगुण भी रहना चाहिए और सत्व गुण भी रहना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर आधिपत्य नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज की एक्सट्रीम जो है वो बुरी होती है, और समय अनुसार होना चाहिए। अगर रजोगुण आपके उस समय पर हावी है, जो जिस एज में, जिस समय में, जैसे कि आज हमारा समय, अगर मैं इस समय तमोगुण और रजोगुण में आसक्त रहूंगी तो मेरा सतगुण से भी जो पार पाना है वो कभी पा ही नहीं पाऊंगी। तो एक जो स्पिरिचुअलिटी का जो समय है, अध्यात्म का जो समय है, वो समय डिवाइडेड है, और हर समय को हमें इंजॉय करना है और हमें उससे अटैच होके भी डिटैच होते जाना है, मधु कैटअप से हमें दूर जाना है। तो ये बहुत आवश्यक है। और काल रात्रि को जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि काल रात्रि, देवी काल रात्रि को शुभांकरी भी कहा जाता है। एक हाथ में आप देखिए, हर देवी के एक हाथ में अस्त्र शस्त्र है, तो उसके साथ ही कमल का फूल भी है, उसके साथ उनकी अभय मुद्रा भी है, यू नो, ब्लेस करते हुए है, उसके साथ ही देने वाली मुद्रा भी है, जपमाला भी है, कमंडल भी है, अमृत का कलश भी है। और आज जो कालरात्रि देवी का दूसरा नाम है शुभांकरी, यानी कि इतना विभत्स रूप, उसके साथ भी उसको शुभांकरी कहते हैं कि इस विभत्स रूप में भी जो देवी की ऊर्जा है वो अपने भक्तों का, अपने पूजने वालों का भला चाहती है। जैसे माँ का रूप होता है ना, रौद्र रूप के नीचे भी उसकी ममता होती है, प्यार होता है, अपने बच्चों के लिए वो विश्वास होता है कि आज अगर हम उनको कुछ ऐसा कष्ट देंगे, चाहे बात का, चाहे डिसिप्लिन का, तो कल वो एक सही राह पे चलेंगे और कभी पलट के ये नहीं कहेंगे कि हमारी माँ ने हमें समझाया नहीं। तो जो लोग कभी अपशब्द आपको कहते हैं और उनको, आपको पता है कि उन्होंने आपका हमेशा साथ दिया, आपके साथ रहे, आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, आपको आगे बढ़ाया है, और उन्होंने कभी आपको कोई ऐसी बात कह दी या आपको ऐसी राह दिखा दी जिसमें कहीं आपको बुरा लगा, तो आप ये समझिए कि उन चीजों को कभी निगेट मत कीजिए। उस 10 में से जो आपको 8 नंबर आपने दिए और उसके बाद 2 नंबर ऐसे हैं जो आपके मतलब के नहीं हैं, तो आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि इस काल रात्रि में शुभांकरी छुपी हुई है।
तो ये सारी जो बातें हैं हमें अपने जीवन में एग्जीक्यूट करनी है, अमल करनी है, बहुत आवश्यक है। तो ये है आज सप्तमी का कालरात्रि का रूप। मैं और भी आपके साथ आज थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ कि जब आज संगीता की रसोई चल रही थी तो बहुत से लोग बात कर रहे थे कि सौंफ की, राई की, सरसों के तेल की, रीना और गीता का जब चला तो बंगालीज में नॉनवेज भी खाया जाता है नवरात्रों में, और हम लोग यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, यानी कि नॉर्थ इंडियंस में नॉनवेज बिल्कुल वर्जित होता है नवरात्र में खासकर, और प्याज अदरक लहसुन ये सब कुछ भी नहीं खाया जाता है, सरसों के तेल में नहीं बनता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँ, और हमने हमेशा इन चीज़ों का पालन किया अपनी इच्छा से, लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, खान पान आपके जीवन का एक ऐसा अंग है जिसके साथ आप पले बड़े हैं। जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन खाना बचपन से खाया गया है माता पिता ने, उस चीज़ को देखिए, बंगालीज में माच को एक बहुत ही शुभ और पवित्र रूप से देखा जाता है। उनके यहाँ दुल्हन के साथ ही अगले दिन जो मछली है उसको दुल्हन की तरह ही सुसज्जित करके भेजा जाता है। मछली जो है उनके यहाँ एक ईश्वर को चढ़ाने का भोग भी माना जाता है। कहीं ना कहीं इसमें डिस्क्रिपेंसी है, क्यों माछ को खाते हैं या क्यों नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। देखिए, इसलिए नहीं खाना है, एक तो जीव जंतु हैं, सबके खून निकलता है, सबके दर्द होता है, और हमारे शरीर के लिए सही भी नहीं है। इस बात को मद्देनजर रखकर आप इनसे, इनको आप कोशिश कीजिए कि अब समझ के आप इनसे दूर हट सकते हैं यदि चाहें तो, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप सभी मेरे से इस बात से ज़रूर वास्ता रखेंगे, जैसे मैं जब छोटी थी मेरे पिता की तरफ से सब यूपी के कस्टम्स चलते थे, है ना, करवा चौथ हो गई, बरगदाई हो गई, गुलगुले बन रहे हैं, सकट हो गई, सकट चौथ हो गई, और माँ सब करती थी दादी अनुसार, और ननिहाल की तरफ सब पंजाबी कस्टम्स चलते थे। अच्छा, शादी हो गई, सक्सेनाज में आई श्रीवास्तव की तरफ से, बहुत सारी चीज़ें मुझे ना समझ नहीं आती थी कि पल्ला लिया और फिर उसके बाद बाएं हाथ से ये सिंदूर लगाया और फिर इधर से ये सिंदूर लगाया, और मुझे कहीं ना कहीं वो तथ्य ढूंढती रहती थी कि ये क्यों, ये किस लिए, और उन तथ्यों के पीछे मैं लगी रही, मैं जुटी रही कि हर चीज़, जैसे कि मैंने करवा चौथ पिछले 2-3 साल से मैं अपने बैक टू रूट्स का जो मेरा पहला ग्रुप बना था उसमें मैंने करवा चौथ के बारे में, जैसे मैंने शिवरात्रि पे और रक्षाबंधन में किया कि रक्षाबंधन सिर्फ बहनें ही क्यों बांधे भाई को, भाई क्यों रक्षा करे बहन की, औरतें अपने आप में सक्षम है, सब एक दूसरे को रक्षाबंधन माने, रक्षा का बंधन बांधे। इसी तरीके से करवा चौथ हम सब इस ग्रुप में इस बार जो करवा चौथ मनाएंगे, इस चीज का प्रण लीजिए कि हस्बैंड्स भी, पति भी, चाहे खुशी का ही क्यों ना हो, हम एक कस्टम माइंडसेट सेट करें जो कि सही है, वो भी पत्नियों के लिए, करवा चौथ मत हटाइए, लेकिन पति भी पत्नी के लिए वो श्रद्धा भाव रखे, वो व्रत वो भी रखे, क्यों ना रखे, सबको एक दूसरे के लिए क्यों, वही भूखी रहे और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ श्रृंगार करें, प्यार करें, चांद की पूजा करें, अपने नेचर है उसके साथ, और एक दूसरे के साथ मिलके खाना बनाए, तब शायद ज़्यादा मज़ा आएगा, और हमारे आज के बच्चे इन चीज़ों से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि उनको इसका मकसद समझ में आएगा कि प्यार का त्यौहार है, करवा चौथ के पीछे तो ऐसा कुछ नहीं, और बहुत से त्यौहार हैं जिनका एक कमर्शियल पर्पस बन गया है, सेल पर्पस बन गया, बस सामान दुकानों पर सज जाए, चुन्नियाँ आ जाएँ, दुपट्टे आ जाएँ सदियों पुरानी, और उसके बाद वो पेड़ के नीचे सड़क में नालों में फेंक दिए जाएं, ये कौन सा कल्चर है, ये कौन सी संस्कृति है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों का बिल्कुल भी इसको सेट नहीं किया था, पेड़ पत्ते जो गिरे हुए होते हैं, फूल, उन्हीं को चढ़ाया जाता था, कोई भी फूल तोड़ के नहीं चढ़ाता था। तो ये चीज़ें बहुत समझने वाली है, इन चीज़ों का ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में, हमारे ऊर्जा जो है हमें इसको जगाना है, हमें अपने दुर्गुणों से दूर जाना है, हमें बुराइयों पे पार पाना है, खान पान अच्छा करना है क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, इंजेशन जो खाते हैं, डाइजेशन जो पाचन है, एक्सक्रीशन जो निकासी है, इसके क्रम को सही करना है। 90% हमारी जो बीमारियां हैं सिर्फ इस चक्र का जो बिगड़ जाना है उसी से, रक्त बीज पे आ जाते हैं, रक्त बीज का संहार किया और देवी माँ की जबान निकली हुई है, जबान जो निकलना है ये चिन्ह है कि वॉइसलेस इन वॉइस, कहते हैं ना आवाज होती है, आवाज शोर,
और जब टंग निकल आती है तो आप कोई आवाज नहीं निकाल सकते हैं। एक अर्थ ये है, आप कोई आवाज नहीं निकाल सकते, इसका मतलब आपके जीवन का जितना केओस है, जितना शोर है, जितनी सोच है जो आपको परेशान कर रखी है, उस सबसे आप परे हटके साइलेंस में आ गए। ये साइलेंस है आपके मन की शांति। तो इस रूप में देवी कालरात्रि का जो जबान है बाहर, एक ये द्योतक है। दूसरा है रक्त बीज। मैंने रक्त बीज असुर के बारे में बात की थी कि रक्त से भी बीज निकलता था उस असुर का, जिसका दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, और उस बीज से और असुर निकल आते थे। तो एक ऐसी ऊर्जा तैयार हुई। इसका द्योतक देखिए क्या, इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में, अब इसको हम चलिए इक्वेट करते हैं कैंसर से। जब आपके शरीर में कैंसर होता है तो क्या होता है, एक कैंसर का सेल सभी सेल्स को अपने आप में लपेट लेता है। तो एक बीज, एक बुराई, एक चोर, जब वो एक बार चोरी करता है ना, फिर वो करता जाता है। तो वो जो एक बीज होता है, एक पहला इंस्टेंस होता है जब आप कोई गलत काम करते, उसको वहीं पे किल कर दीजिए। किल इट, स्ट्राइक इट, जो औजार है ना माँ के हाथों में, देवी के हाथों में, उससे जस्ट किल दैट। तो वो जब आप उसी जगह किल कर लोगे उस बीज को, वो जो रक्त है जो, तो दोबारा से वो उठेगा ही नहीं, मुंह ही नहीं उठाएगा। तो ये भी है। और कहते हैं कि कालरात्रि देवी जो है, उन्होंने जब काली रूप लिया तो उन्होंने सारा जो रक्त था वो पीती गई, अपने अंदर ले लिया, उन्होंने अपने अंदर ले लिया, और सभी जो रक्त बीज जो असुर था उसका संहार उन्होंने कर दिया। और जो चामुंडा है, चामुंडा कहते हैं चंडमुंड को जब मार दिया, तो वो माला उन्होंने एक पॉजिटिव तरीके से अपने गले में ही पहन ली कि शी हैज वन ओवर, कि जो समझ, नॉलेज है, जागरण है, उसको उन्होंने अपने गले में ही पहन लिया कि इसके ऊपर मैंने विजय पा लिया और अब ये मेरे साथ है। तो कैसा लगा आपको इस समझ के साथ? और मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि मेरे जितने भी एपिसोड हो रहे हैं उनको गौर से, ध्यान से सुनिए। जब आप सुनेंगे उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती को जब सुनेंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो सूरत हैं, जो गए आश्रम में गए और वहाँ पे उन्होंने ऋषि मुनि से बातचीत की, और जब मधु गेटअप की बात हुई तो उन्होंने महामाया का जो पूरा रचना उन्होंने रची है, और जब बताया विष्णु जी जो सो रहे थे शैया पे, उस समय देवी लक्ष्मी उनके साथ नहीं थी, और उसी समय उनके नाभि के अंदर से एक ऐसा अचंभित, एक अचंभा कर देने वाला नज़ारा आया, जिसमें कि कमल का फूल वो नाभि से उपसर, अब कमल का फूल जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो अब आपको बताऊं क्या इसका अर्थ है, ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड हमारी नाभि में है, नाभि के अंदर आके सारी जितनी भी हमारी ये कोशिकाओं के जो नर्व्स हैं, नर्व पॉइंट्स हैं, वो सब आगे हमारी नाभि में केंद्रित होते हैं। इसीलिए नाभि को एक बहुत ही बहुत बड़ा रूप दिया गया हमारे शरीर में। तो ये जो हमारी नेवल है, जो हमारी जिसको, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरी ब्यूटी सीक्रेट्स और मेरे जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब चीज़ों के पीछे बहुत बड़ी समझ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर्दियां आ रही हैं, महंगे महंगे मॉइस्चराइजर्स वगैरह मत खरीदेगा। मैं जल्दी ही बहुत सारे और वीडियोज़ बनाऊंगी जिसमें कि आप अपने शरीर को, अपने स्किन को पूरी सर्दियों में तरोताज़ा खूबसूरत रख सकें। तो अपनी नाभि में तेल ज़रूर लगाएं, कोई भी तेल लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आमंड ऑयल लगाना है या ऑलिव ऑयल लगाना है या सेसमे ऑयल लगाना है, ऐसे बहुत से आपको चीजें लोग बताने वाले आ जाएंगे। कोई भी ऑयल, बस उसको तर रखिए रात पर सोते समय, और यदि आपके कपड़े खराब होने का डर है तो उसके ऊपर थोड़ा सा कोई एक कॉटन वूल रख लीजिए एंड बस अपना कपड़ा पहन लीजिए और उसके साथ सोइए। देखिए आपके जो होंठ हैं जो सूखने लगते हैं वो नहीं सूखेंगे, धीमे धीमे आपको उसका असर दिखाई पड़ेगा। तो जो नाभि है, कान के अंदर के जो छेद हैं, नाक है, नाक के अंदर आप जो है थोड़ा सा उसको हर समय, और स्पेशली रात में सोते समय, उसके अंदर ज़रा सा ऑयल ज़रूर लगाएं, और आप देखिए कि वो जो शुष्क होने लगता है, खुश्क होने लगता है, ड्राइनेस होने लगती है वो अपने आप। तो इन सब चीज़ों को हमें तर रखना, ये चीज़ें हैं जो हमें करनी है कुकराइट ईट राइट के द्वारा, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर विस्तार किया, बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक, करवा चौथ व्रत, आई लव यू। मेरे हस्बैंड रहते हैं 18 साल से, मेरे हस्बैंड भी रहते हैं। आई एम जस्ट योर फ्रेंड कार्तिक कार्तिक,
जी कार्तिक, हेलो आशा, नमस्कार। हमारी कृपा, हमारी अच्छा, ये तो पढ़ लिया, बहुत सही बताया, यू आर राइट। कोई और प्रश्न आप लोगों को देवी काल रात्रि के लिए, और कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर कहिए। और आज का जो मैंने आपसे सप्तमी का जो रूप किया, कल अष्टमी है, सब लोग तैयारी में लगे होंगे। कोशिश कीजिए कि जो अगर पूड़ी बना भी रहे तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाइएगा, थोड़ा थोड़ा हलवा रखिएगा, और कुछ ऐसा जरूर बना लीजिए, कोई खीर बना लीजिए, कोई कोई ऐसा एक फल दे दीजिए, क्योंकि फल जो है, लोग बच्चे जो हैं वो न्यूट्रिशियस भी होता, फेंकेंगे भी नहीं, जरूर खाएंगे। और कुछ गिफ्ट जरूर दीजिएगा जो उनके उनके काम आए लंबे समय तक। प्लास्टिक की चीजें मत दीजिए, हम जब प्लास्टिक से दूर जा रहे हैं तो बच्चों को क्यों, क्योंकि बाजार में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाए। कुछ हाथ से बना के दे सकते तो दीजिए। जब बच्चे आए, अगर आप घर में कन्या बिठाते हैं तो उन सबके नाम जरूर पूछें, उनसे पूछें उनके घर में कौन कौन है, कितने भाई बहन हैं। स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम, आस्क अबाउट देम, एंड मे बी स्टे कनेक्टेड विद देम, किसके बच्चे हैं, पापा क्या करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। उनके साथ जीवन भर कनेक्शन बहुत जरूरी है। उनके साथ कोई एक गेम खेलिए, जैसे कि हम लोग अपने बर्थडे बच्चों के करते हैं तो बच्चों के साथ कोई कोई खेल खेलते हैं, ये ज्यादा आवश्यक है, ना कि एक एक परी पार्टी में आंख बंद किए चंड मुंड की तरह हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, क्योंकि सब कर रहे हैं, इस डर से कर रहे हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो देवी माँ जो है वो हमारे ऊपर प्रकोप धारण करेंगी और कुछ ना कुछ हमारे साथ कष्ट आ जाएगा जीवन में। ऐसा कोई कष्ट नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, एंड बी होराइजन अपना जो है वो ब्रॉड कीजिए, वाइडन कीजिए। ये जो हमारी कुप्रथाएं हैं उनसे बाहर निकलिए, लेकिन इन प्रथाओं के सही अर्थ समझिए, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान और शिक्षा, संस्कार उसी से आएंगे, उसी को अच्छे से समझना है, अच्छे से समझ के हमें आगे लेकर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, शुभ रात्रि, शुभंकरी की तरफ से, माँ कालरात्रि की तरफ से। अपने अंदर की माँ कालरात्रि को जगाइए, अपने अंदर की शुभंकरी को जगाइए, उससे प्रार्थना कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आज रात का जो पूरा आपका समय है उसमें बिल्कुल शांत होके अपने मन की बातें, जितनी भी ये ऊर्जाएं हैं उनसे बातें कीजिए, उनको अपना सखी बनाइए, उनसे दोस्ती कीजिए, ना कि उनसे डरें। और जितने भी मैनिफेस्टेशन है, मैंने आज भी ये जला के रखा था, और आप लोगों से बात करते करते सारा हमारा जो ये कंडा जलाया था ये अब शांत हो चुका है, इसको दोबारा से मैं जागृत करूंगी, क्योंकि ये एक और कहते हैं ना, जब आपके शरीर से बदबू आ रही होती है, आप नहा के भी निकलते हैं तो कुछ इत्र लगाते हैं, कुछ फ्रेग्रेंस लगाते हैं, या नहाते समय अपने पानी में कुछ नींबू डालिए, चंदन का लेप लगाइए, तो क्या होता है आपके शरीर से खुशबू आती है, और जब खुशबू आती है आपके कमरे में, खुशबू आती है फूलों की, खुशबू आती है तो आपका मन जो है वो तरल हो जाता है, आपका मन जो है वो खुश हो जाता है, अच्छा फील होता है मेंटली। तो इसीलिए ये चीज़ें की जाती हैं कि आपका मन जो है जब एक एक अच्छे शुभ माहौल में होगा तो आप बहुत अच्छे से सोच विचार कर पाएंगे। और जब आप दुर्गंध में रहते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं जो कि साफ सुथरा नहीं, तो कष्ट होता है, लेकिन तब भी आप कमल की तरह कीचड़ में भी खिल सकते हैं, कमल जो हर देवी के हाथ में होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत से लोग वो माहौल चाह के भी नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए यही प्रेरणा है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, और कमल देवों का, देवताओं का पुष्प है। तो हमें कमल की तरह वो शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे कैसी असुविधा हो, सुविधा हो, हमें सुंदर रूप अपना धारण करके रहना है। शुभ सप्तमी अष्टमी की तैयारी करते हैं, कल फिर मिलते हैं। मैं 10 दिन तक आपके साथ होंगी, ज़रूर आएंगे, और आप लोगों के साथ ये बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, आपके जहन में हमेशा रहेंगे ये बातें। और बहुत सारा प्यार, धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्ते, शुभ रात्रि।